morning. Welcome to class 10. I am Arshna Sharma, your social science teacher. And today, I am starting your online classes. So, from today, I am going to teach you economics for class 10. And in economics, our first chapter is development. So, this is your book of economics. Okay? And in this book, the first chapter is development. So, in this particular topic, first we will read these three topics. First one is difference between development and growth. Second one, different people, different goals. And last topic is income and other goals. So first of all, we will understand about the development. Development yani ki vikas, unnati. Aur agar development ki baat kare to development hum kahin bhi kar sakte hain, kisi bhi field mein ho sakta hai. But today हम अपना फोकस करेंगे डेवलपमेंट वर्ड का इन द इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मीनिंग है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम भी हम इसी में शामिल करते हैं. आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो सोसाइटी है, अवर सोसाइटी इज चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी टू अ इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी. यहाँ पर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो ये भी एक क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो व्हेन यू विल रीड द चैप्टर यू कैन एबल टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी इजीली. चैप्टर इज नॉट वेरी हार्ड. रीड इट थोरोली एटलीस्ट टू टाइम्स. रीड द चैप्टर इन डिटेल सो यू कैन एबल टू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज डेवलपमेंट एंड अदर डिफरेंट टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. इन दोनों में क्या अंतर है, डेवलपमेंट और ग्रोथ. सो डेवलपमेंट विकास यानी कि वी आर डेवलपिंग, डेवलपिंग इन क्वांटिटी प्लस क्वालिटी. एंड ग्रोथ, ग्रोथ भी हम कह सकते हैं बढ़ना, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. इसमें हमारा कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, हम सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं. जैसे कि डेली वी आर ईटिंग अवर फूड एंड हमारी ग्रोथ हो रही है बाय द हाइट और बाय द वेट. बट जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो आ रहा है कि हाउ यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग एक नहीं है. अब क्वेश्चन आप कहेंगे क्यों मैडम, ऐसा क्यों होता है कि डेवलपमेंट का गोल अलग अलग क्यों है. जो गोल आपका है वो गोल मेरा नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, आज देखो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और आप लोग विदाउट क्लासरूम क्लास अटेंड कर रहे हैं. फॉर मी डेवलपमेंट मीन्स कि मेरा लिए बेटर एनवायरनमेंट मिले पढ़ाने के लिए, एक सेफ एनवायरनमेंट हो, एक हाइजीन एनवायरनमेंट हो, प्लस आप लोगों की जो रिजल्ट आ रहा है वो भी मेरे लिए पार्ट ऑफ माय डेवलपमेंट. ओके, सो हमारे अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं. नाउ यू कैन सी इन योर चैप्टर दैट ऑन पेज नंबर 4 देयर आर लॉट्स ऑफ टेबल्स एंड इन टेबल यू कैन सी कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग एक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब का. फॉर दैट पर्टिकुलर फार्मर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, दैट ही कैन अर्न मोर एंड मोर मनी बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. और जब वो पैसा कमाएगा तो उस पैसे से वो क्या करेगा, ही कैन एबल टू सेंड चिल्ड्रन टू द अब्रॉड फॉर हायर स्टडी. ओके, नेक्स्ट इसमें कहता है रूरल वीमेन है जिसके पास में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो वो क्या सोचेगी कि कम से कम बाय गॉड ग्रेस टाइम पे बारिश हो जाए, उसको कुछ हेल्प मिल जाए उससे और वो अपना इजीली क्या कर सके, सीड ग्रो कर सके, सो दैट शी कैन एबल टू अर्न मोर प्रोड्यूस. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपकी बुक में अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, कि एक पैसा वाला घर है उसमें लड़की है, वो क्या चाहती है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल वो नहीं होगा जो मेरा और आपका है. वो सोचेगी कि मैं भी अपने भैया की तरह अच्छे से पढ़ाई करूं, चाहे मैं भी फॉरेन जाऊं वहां पे पढ़ाई करूं, तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल वो है. सिमिलरली एक नेक्स्ट एग्जांपल में आता है आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है, तो वहां के आदिवासियों के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. उनके हिसाब से दे वांट कि उनकी लाइफ अच्छे से बने, अच्छे से वो लोग अपनी लाइफ को स्पेंड करें और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको इनिशिएटिव मिल रहे हैं, हेल्प मिल रही है, दैट शुड बी गिवन प्रॉपरली टू ईच एंड एवरी पर्सन. ओके, सो दिस इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग सेम नहीं है. ओके,
अब नेक्स्ट आपका टॉपिक में कहता है कि डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। आज जैसे आपकी बुक में अंदर पेज नंबर 5 पर एक बोल्ड लेटर्स में डेफिनेशन है, सो यू कैन स्टडी एंड बाय दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन यू कैन एबल टू अंडरस्टूड द टेबल विच वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 4। सो अवर थर्ड टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल। इनकम यानी कि हम जो पैसा कमाते हैं, पैसा भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अवर लाइफ। अवर वी कैन इम्प्रूव बाय द इनकम, हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। वी कैन एबल टू बाय मोर एंड मोर गुड्स एंड वेन वी आर एबल टू बाय मोर एंड मोर गुड्स अवर लाइफ बिकम मोर हैप्पी एज अ इनकम मेटेलिस्ट, नॉट इन अ डेवलपमेंट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल स्किल्स। ओके, सो इनकम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ये क्या कहती है आपकी किताब, कह रही है कि इनकम के अलावा हमारी लाइफ में और बहुत से गोल्स भी होते हैं, देयर आर अदर गोल्स ऑल्सो। इनकम इज नॉट द अल्टीमेट गोल इन अवर लाइफ। लाइफ में पैसा जरूरी है, बट एक्सेप्ट दिस मनी देयर शुड बी अदर थिंग्स वी नीड। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल नीड अ रेस्पेक्ट नॉट फ्रॉम योर फ्रेंड्स बट ऑल्सो फ्रॉम द टीचर्स, बिकॉज रेस्पेक्ट मीन्स गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू आर एबल टू टेक रेस्पेक्ट। आफ्टर रेस्पेक्ट, मेडिकल फैसिलिटी, बेटर एनवायरमेंट, योर डिग्निटी इन द सोसाइटी, इक्वल बिहेवियर विद योर फेलो बींग्स प्लस टीचर्स प्लस योर सोसाइटी। सो दीज आर द अदर गोल्स विच वी कैन से आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर डेवलपमेंट। इनकम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ अदर रिक्वायरमेंट भी लाइफ में होनी चाहिए, विच वॉज गिवन ऑन योर पेज नंबर 5। फ्रीडम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपको बेटर एनवायरमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी है, ऑल दीज आर कमिंग इन अदर गोल्स। ओके, सो दीज आर द 3 मेन टॉपिक्स विच आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर लेसन, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। The next one is different people have different goals and other is income and other goal in our life.